गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम लोग हाउसहोल्ड सर्किट में इससे पहले के जो लेक्चर में डील किया था, हम लोगों ने ये जाना था उसमें कि फ्यूज क्या होता है और फ्यूज कैसे बनता है, फ्यूज का मटेरियल क्या है, उसकी वर्किंग क्या है और कितने तरीके के होते हैं। हम लोगों ने ये जान लिया था कि फ्यूज की वायर का मटेरियल एलॉय होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और वो सर्किट में कैसे वर्क करता है और उसकी वर्किंग भी हमने अच्छे से देखा था। तो वहां पर वर्किंग में पढ़ते वक्त एक चीज हमने आपसे वादा किया था कि इसको जरूर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इसे लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं और आपका जो मीटर होता है उस मीटर के बाद और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस से पहले कनेक्ट किया जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों ऐसा किया जाता है कि जो फ्यूज होता है उस फ्यूज को इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस से पहले और मीटर के बाद और लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस लेक्चर में मिलेगा कि क्यों ऐसा किया जाता है। हमने दो यहां पर डायग्राम बना रखा है। ये मेरा एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, कोई भी हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हो सकता है या लाइट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हो सकता है, जैसे कि हैवी में एसी भी हो सकता है और लाइट में आपका इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है, ये तो आयरन प्रेस एक्सेट्रा कुछ भी ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है। इट डजंट मैटर कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हैवी है कि लाइट है, बस यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस लगा रखा है। मैंने यहाँ मेन्स या कह सकते हैं कि कोई बोर्ड है या सोर्स है जहां से एसी करंट आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये वायर जो है वो लाइव वायर है और ये वायर आपका न्यूट्रल वायर है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस से कनेक्ट कर दिया। लाइव वायर में जब मैंने यहाँ पर फ्यूज लगा दिया लाइव वायर के रास्ते में मेन स्विच मेन के या मीटर के बाद और अप्लाइंस से पहले, जब आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन में करंट की जो रेटिंग होगी वो इंक्रीज होगी सडन, डिक्रीज होगी सडन। जब इंक्रीज होगी और वो फ्लक्चुएशन वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होने की वजह से इंक्रीज करंट जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास पहुंचेगा, तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उतने वोल्टेज के रेटिंग पर या उतने करंट की रेटिंग पर वो मॉडिफाई नहीं है, तो वो क्या होगा, स्पार्किंग करके जल जाएगा और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो डैमेज हो जाएगा। उस डैमेज की उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे कि लाइव वायर के रास्ते में यहाँ पर एक स्विच को लगा देंगे और ये जो स्विच है ये स्विच इस लाइव वायर से जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से हाई करंट आया है ये हमारा जो ये है फ्यूज है वो फ्यूज हमारा डैमेज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बच जाएगा और फिर क्या करेंगे आप मॉडिफिकेशन के लिए नया फ्यूज आप लगा देंगे और फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फिर से तैयार हो जाएगा और फिर अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और चलने लगेगा और फिर इस तरीके से आपका पाथ जो है वो। और यहाँ पर एक चीज और बता दें, जब फ्यूज डैमेज नहीं हुआ रहता है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अच्छे से रन करता है और ये इसका रास्ता होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है, लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट या वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन सब ओवरलोडिंग की वजह से या किसी भी तरीके से अगर आपका फ्यूज यहाँ पर खराब हो गया तो सर्किट यहीं से डैमेज हो जाता है। हाई करंट रेटिंग आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक नहीं पहुंच पाता है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेफ्टी की तरह सेफ गार्ड की तरीके से ये वर्क करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का और ये सेफ बचा रहता है, खराब नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हम लाइव वायर में क्यों लगाए, लाइव वायर में क्यों लगाए, तो जैसे ही मैं न्यूट्रल वायर के रास्ते में लगाऊंगा तो न्यूट्रल वायर के रास्ते में लगाऊंगा तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर जो हाई करंट रेटिंग है या हाई वोल्टेज है वो वोल्टेज या करंट रेटिंग की जो फ्लक्चुएटेड करंट है जब वो मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से लाइव वायर के थ्रू यहाँ पर पहुंचेगा तो उसे कोई भी सर्किट ब्रेकर नहीं मिला तो डायरेक्टली सारा का सारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लक्चुएट करंट वो हाई अमाउंट ऑफ द करंट यहाँ पर पहुंचेगा और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डैमेज कर देगा और डैमेज करने के बाद जब वो करंट यहाँ पर फ्यूज पर आएगा तो यहाँ पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और अब अगर सर्किट ब्रेक भी होती है तो मेरा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो बर्बाद ही होगा, खराब ही होगा। तो इस रीजन की वजह से मेन रीजन यही है कि हम मीटर जहां पर हाई रेटिंग मीटर होती है मीटर के बाद और अप्लायंस से पहले लाइव वायर में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, ये इसका मेन रीजन है कि फ्यूज इसी वजह से हमारा इस रास्ते में कनेक्ट होता है। आई होप ये अच्छे से आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा।